assalamu alaikum dear students i hope you are doing well i'm your english tutor and i welcome you all on our youtube channel sky classes dear students in our last lecture we discussed some prose of class 9th in today's lecture we are going to discuss one more prose of class 9th and the prose is the fun they had dear students a very interesting prose which is set in future and this prose, the fun they had, was written by world-famous science professor and science fiction writer isaac asimov. dear students, before we go on, before we know why the chapter is named the fun they had and about whom the story is, before we go on, let's discuss about the biography of isaac asimov. सबसे पहले बच्चा आप बात करेंगे किसकी आइजैक एक्ससीमो के बारे में क्योंकि पहले ही मैंने कहा आपको कि वो एक साइंस प्रोफेसर भी था साथ में एक साइंस फिक्शन राइटर भी था तो सबसे पहले जब बात करेंगे बेटा द फन दे हैड की कि क्यों नाम पड़ा इस चैप्टर को क्यों नाम है इसका द फन दे हैड ये दे हैड किन के लिए इस्तेमाल किया गया है सबसे पहले ये बात जानेंगे बेटा कि ये किन लोगों के बारे में बात की जाती है क्या ये बात की जाती है उन लोगों के जो बहुत पुराने जमाने में रह रहे थे और उनके फन की बात कर रही आ, की जाती थी नहीं सबसे पहले बेटा इसको समझने के लिए पहले हम बात करेंगे आइजैक एसिमो की बायोग्राफी की कि हाउ ही इमर्ज एज वन ऑफ द बेस्ट साइंस फिक्शन राइटर कहा जाता है कि जो आइजैक एसिमो था ही वाज बोर्न इन 1920, 1920 से 1992 uh, तक एक रेशियन बोर्न अमेरिकन राइटर है एक्चुअली ही वॉज बोर्न इन रेशिया देन सेटल इन अमेरिका और माना जाता है किस लिए साइंस फिक्शन और पॉपुलरली जो उनकी राइटिंग है कि, में बाकी ब्रांच ऑफ साइंस में यहां पे बेटा दो चीजें हैं जो जरूरी आपको जानने हैं साइंस और साइंस फिक्शन जब बात करते हैं हम साइंस की साइंस एक ऐसी स्टडी है जिनकी बुनियाद साइंटिफिकली प्रून है साइंटिफिकली वो चीज हुआ है ये एक साइंटिफिक नॉलेज है और जो प्रैक्टिकली हुआ है उस चीज को हम कहते हैं दिस इज अ साइंटिफिक नॉलेज अब यहां पे वर्ड आया बेटा साइंटिफिक ये जो डिस्कस हुआ है अब बात है किसकी साइंस फिक्शन की ये साइंस फिक्शन क्या होता है क्या ये भी साइंस का ही ब्रांच है नहीं साइंस फिक्शन का मतलब है पहले वाले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है पहले वाले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया है कि फिक्शन क्या होता है बेटा फिक्शन का मतलब होता है कुछ भी एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन अवर इमेजिनेशन नॉट ऑन रियलिटी कुछ भी जो जिसकी बुनियाद किस पे हो बेटा हमारी इमेजिनेशन पे न कि रियलिटी बेस्ड हो उसको हम फिक्शन कहते हैं फिर आप यहां पे सवाल होगा आपके दिमाग में अगर ये बेस्ड ऑन इमेजिनेशन है फिर इसको हम साइंस फिक्शन क्यों कहे क्योंकि साइंस का मतलब कुछ और है देखे बेटा मैंने कहा अभी साइंस इज रिलेटेड टू द साइंटिफिक नॉलेज इसी तरह साइंस जो हमारे साइंस फिक्शन है साइंस फिक्शन ऐसे फिक्शन है जिनकी बुनियाद इमेजिनेशन पे है लेकिन हम किन चीजों को इमेजिन करेंगे जो इनोवेटिव होंगे जो जैसे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं या इन in इनोवेशन का इस्तेमाल करेंगे जो असल में अभी क्या नहीं है प्रैक्टिकली प्रूव नहीं है इनोवेशन की बात करते हैं उन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं जिनका अभी साइंस ने प्रूव नहीं किया जब हम उन चीजों को इमेजिन करेंगे लेकिन वो रिलेट करेंगे साइंस के साथ साइंस के साथ लेकिन वो अभी भी एग्जिस्ट नहीं होते हैं जब वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं बल्कि हम इमेजिन करते हैं दैट्स कॉल्ड साइंस फिक्शन जो बुनियादी तौर तो नहीं है बल्कि क्या है बल्कि हम इमेजिन करते हैं उन इनोवेशनस का उन वाले टेक्नोलॉजीज का और उसी रिलेटेड जो हमारा राइटर आइजैक एसिमो था वो लिख रहा था साइंस भी और साइंस फिक्शन भी इसीलिए हमने पढ़ा उसकी पॉपुलर वर्क्स है ऑल ब्रांच ऑफ साइंस भी और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा उसने बहुत सारे साइंस फिक्शन भी लिखे थे उसके अलावा बेटा क्या कहा जाता है कि जो आइजैक एसिमो था उसने अपना करियर जो लिया ही स्टार्ट द ड्यूअल कैरियर ऑफ राइटिंग ड्यूअल कैरियर दैट मीन उसका जो प्रोफेशन था जो उसका राइटिंग स्किल था देर ऑफ ट्यू टाइप वन वॉज राइटिंग अबाउट द साइंस जिसका वो एज अ प्रोफेसर काम करता था साइंटिफिक बुक्स के बारे में लिखता था साइंटिफिक रिसर्च के बारे में लिखता था और दूसरा जो उसने कैरियर अपनाया दैट वॉज साइंटिफिक फिक्शन गॉट एडियर स्टूडेंट उसके बाद हम आते हैं उसके बायोग्राफी पे क्या कहा जाता है कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ इसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया एट द एज ऑफ 15 व्हेन ही वाज 15 इयर्स ऑफ एज एट द टाइम ही एंटर्ड इन द कोलंबिया यूनिवर्सिटी उसके बाद बेटा कहा जाता है कि एट द एज ऑफ एटीन ही सोल्ड हिज फर्स्ट स्टोरी टू अमेजिंग स्टोरीज और पहली जो पब्लिश उसने कराई पहली जो किताब उसने स्टोरी uh, सोल्ड की वो कब की व्हेन ही वाज इयर्स ऑफ एज स्टूडेंट्स उसके बाद कह कि आफ्टर सर्विंग इन वर्ल्ड वार सेकंड कह रहे कि वर्ल्ड वार सेकंड में सर्व करने के बाद बचने के बाद ये वर्ल्ड वार सेकंड कब हुआ नाइनटीन से नाइनटीन तक और उसके बाद जो ऐसी है उसने पीएचडी डिग्री भी हासिल की थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कब 1948 में दैट मीनस वर्ल्ड वार सेकेंड को खत्म होने के बाद ही जैसे वर्ल्ड वार सेकंड 1945 में खत्म हुआ उसके बाद 1948 में उसने अपना पीएचडी कंप्लीट किया उसके बाद 1949 से 1958 इन सालों में इन कम से कम इन नौ सालों में क्या किया उसने ही टार्ड बायोकेमिस्ट्री एट द बोस्टन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन स नौ साल तक वर्ल्ड वार के बाद अपनी पी हासिल करने के बाद वो एज अ प्रोफेसर काम करने लगा कहां पे ये बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने लगा बायोकेमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस वो पढ़ाने लगा इस बोस्टन यूनिवर्सिटी में उसके बाद कहा जाता है कि उसका जो पहला साइंस फिक्शन नॉवल है दैट इज पैबल इन द स्काई जो 1950 में अपीयर हुई उसके बाद जो उसकी साइंस बुक लिखी ये तो साइंस फिक्शन थी कौन टैबल इन दिसंस फिक्शन बुक उसके बाद एक नॉवल थी उसके बाद उसने और वो उसने लिखी बाकी दो क्लीग्स के साथ वो किस पे लिखी उसने दैट वॉज ऑन साइंस साइंस नॉट बेस्ड ऑन द साइंस फिक्शन उसके बाद बेटा क्या होता है कह रहे कि जो उसने ये साइंस बुक लिखी है दैट वाज पब्लिश्ड इन 1953. उसके बाद 1958 तक जब वो पढ़ा रहा था उसके बाद ऐसे मोने क्या किया था उसने पूरा टाइम दिया था किस पे राइटिंग पे सारा काम छोड़ा टीचिंग छोड़ा लेकिन फुल टाइम स्पेंड किया किस पे राइटिंग पे और उसके बाद क्या हुआ कह रहे हैं कि उसने ही ऑथर्ड मोर देन 400 बुक्स फॉर यंग

लिखता था बल्कि बाकी पहलुओं पे भी उसने काम करना स्टार्ट किया बाकी लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स पे भी उसने स्टार्ट करना आ, मतलब लिखना स्टार्ट किया जैसे उसने हिस्ट्री के बारे में लिखा इसी तरह बहुत सारे अगर अभी हमने पढ़ा बहुत सारे मिस्ट्री स्टोरीज पढ़े, ह्यूमर था या हिस्ट्री था और उसके बाद कुछ वॉल्यूम्स बाइबल के भी लिखे और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट ओ वर्क उसने लिखी दैट वॉज ऑन द इंग्लिश प्ले राइट कॉल्ड विलियम शेक्सपियर आपने विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा बेटा मेरा इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ी हस्ती थी वो उसके बारे में भी उसने लिखा और अब कहा जाता है कि न कि सिर्फ अब वो साइंस प्रोफेसर रहा न कि वो अब सिर्फ साइंस रिलेटेड राइटिंग्स करने लगा या सिर्फ साइंस फिक्शन लिखने लगा बल्कि बाकी ऑस्पेक्ट पे भी लिखना स्टार्ट किया और इसीलिए हमने पढ़ा कि उसने 400 हंड्रेड बुक से ज्यादा लिखे हैं किन के लिए? के लिए अब नजर रखिए बेटा यहाँ पे क्या उसकी मानी जानी साइंस फिक्शन वर्क्स है उनमें है रॉबर्ट uh, 1950 में जो लिखा था द फाउंडेशन ट्रॉगी 1951 फिफ्टी टू नाइनटीन तक उसके बाद फाउंडेशन एज 1982, the Naked Sun, 1957 और उसके बाद 1972. ये सारे क्या थे? ये सारे साइंस फिक्शन थे उसके अलावा एक और चीज हमें बताया गया है आई जैक एसिमो के बारे में दैट वॉज इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो दैट दर्ल्ड इज ग्रेटेस्ट साइंस फिक्शन राइटर नेवर ट्रेवलड ear लिखने वाला राइटर, वो कभी भी खुद नहीं चढ़ा कभी भी जहाज पे नहीं चढ़ा कभी भी उसने हवाई यात्रा नहीं किया एक इतना लिखने के बाद इतना इमेजिन करके टेक्नोलॉजी के बारे में लिखता इतना करने के बाद भी, लेकिन कभी खुद जहाज की सवारी नहीं की बेटा यह था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ अवर राइटर आई अब बेटा चैप्टर है हमारा द फन दे हैड पहली बात यह करे कि यह जो हमारा प्रोज है द फन दे हैड यह एक साइंस फिक्शन है और किस चीज के बारे में कहा जाता है किन लोगों के बारे में कहा जाता है यहां नजर रखिए बेटा कह रहे हैं द फन फन माने मजा वे चेमडियो कह रहे कि जो इन लोगों को फन था एंजॉयमेंट था किन को दे हैड देस द पास्ट द पीपल हु वे लिविंग इन द पास्ट जो पास्ट में रह रहे थे लेकिन किस पास्ट में रह रहे थे वो चीज बेटा पहले हमें जानना है जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं द फन दे हैड एक्चुअली इट इज ए स्टोरी ऑफ ए फ्यूचर ये फ्यूचर में इसकी सेटिंग है कब की ये टाइम की बात कर रहा है 2157. जब ये टाइम आएगा इस टाइम पे हमें आइज़ैक एक्सिमो पहुंचाता है जब ये टाइम आएगा उस टाइम पे जो बच्चे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्या कहेंगे पुराने जमाने में पुराने जमाने का मतलब इस जमाने के बारे में न कि कौन सा जमाना जो पुराना हुआ है जो सदिया पहले गुजरा नहीं जो आज का जमाना है जब दौर पहुंचेगा कौन सा टू वन फाइव सेवन वो फिर क्या सोचेंगे किन के बारे में हमारे बारे में और वो क्या कहेंगे द फन दे हैड इट दीन्स हमें इस वाले जनरेशन के लोगों को किन वाले जनरेशन के लोगों को हम जैसे जनरेशन वाले के लोगों को क्यों क्योंकि अगर हम बेटा टू वन फाइव सेवन को माइनस करेंगे टू जीरो टू थ्री नियरली ये आता है फोर थ्री वन वन थर्टी फोर ईयर्स इसका मतलब है अभी इस टाइम तक पहुंचने के लिए 134 थर्टी ईयर्स की जरूरत है इसका मतलब है इन थर्टी वन थर्टी ईयर्स में कम से कम कितने जनरेशन आएंगे नियरली फोर फाइव जनरेशन वहां तक पहुंचेंगे इसका मतलब है कि इस टाइम पे क्या होगा किस टाइम के स्कूल्स होंगे किस टाइम का सिस्टम होगा और कह रहे हैं कि जब वो याद करेंगे इस वाले जमाने को तो वो क्या कहेंगे द फन दे हैड उन लोगों को बहुत ज्यादा फन था किनको इस इन वाले जनरेशन के लोगों को क्यों क्योंकि उस टाइम पे कुछ और ही होगा कुछ और ही निजाम होगा उस निजाम के बारे में उस सिस्टम के बारे में अब हम पहले जानेंगे चलिए बेटा जानते हैं क्या लिखा है हमारे राइटर आइजैक एसिमो ने चलिए बेटा सबसे पहले इपिग्राफ की ओर नजर डालते हैं क्या कहा जाता है इपिग्राफ में कहा जाता है कैन यू इमेजिन टाइम व्हेन ऑल द बुक्स एंड द स्कूल्स शेल अरे फंस गए क्या रहे क्या आप ऐसे टाइम को इमेजिन कर सकते हो क्या आप ऐसा टाइम इमेजिन कर सकते हो जब सारे किताबें और स्कूल्स क्या हो जाएंगे वैनिश हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे क्या कर सकते हो कि क्या ऐसा दौर आएगा जब सारे स्कूल्स सारे हमारी किताबें खत्म हो जाएंगे ज़हन में आया ये बेटा कभी कि एक जमाना आएगा जब सारे किताबें सारे स्कूल्स हमारे खत्म हो जाएंगे फिर कहां पढ़ेंगे फिर देखें आगे एजुकेशन विल बी इंपार्टेड थ्रू कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स कह रहे हैं कि उस टाइम पे फिर एजुकेशन कैसी दी जाएगी एजुकेशन विल बी इंपार्टेड इंपार्ट माने देना एजुकेशन को दिया जाएगा कैसे थ्रू द कंप्यूटर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स इसका मतलब ऐसे हमारे पास जो ट्रेडिशनल क्लासरूम्स है जिस तरह एक बिल्डिंग होती है वहां पे पढ़ाया जाता है जैसे बेटा मेरा आप सारे स्कूल जाते हो कह रहे हैं कि लेकिन उस टाइम पे ये स्कूल और क्लासरूम्स नहीं होंगे बेटा बल्कि एजुकेशन इंपार्ट की जाएगी कंप्यूटर्स के जरिए और वर्चुअल क्लासरूम्स के जरिए और साथ में क्या कह रहे हैं वुड यू लाइक सच ए सिस्टम क्या आप उस सिस्टम को पसंद करोगे क्या ऐसा सिस्टम जब आपके पास होगा जहां पे कंप्यूटर्स पे एजुकेशन दी जाएगी सारा वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे ना क्या ऐसे कि आप एक जगह पे जाओगे बिल्डिंग होगी टीचर्स होंगे उस तरह पढ़ाया जाएगा क्या कि क्या आप उस वाले सिस्टम को पसंद करोगे वुड यू लाइक दैट सिस्टम क्या आप उस सिस्टम को पसंद करोगे द स्टोरी वी शुड रीड इज सेट इन फ्यूचर बेटा जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर फ्यूचर में है That means it's all talking about the the future. When the traditional system of reading and writing shall be done away with, कह कि ये तब की स्टोरी है जब हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है पहले सबसे बड़ी बात ट्रेडिशनल सिस्टम को समझेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा ये सिस्टम जो हमारे रिवायती सिस्टम है जैसे आता गया वैसे ही चलता जा रहा है अभी भी मसलन हमारे पास स्कूल्स है आप सारे स्कूल जाते हो उसके बाद स्कूल्स में क्लास रूम है अलग अलग क्लास रूम्स में हर एक बच्चा अपने हर कैटेगरी का बच्चा अपने अपनी क्लास में बैठता है और वहाँ पे अपने अपनी क्लासेज में आपके टीचर्स आते हैं कौन से टीचर्स आते हैं ह्यूमन बींग्स आते हैं ये हमारा ट्रेडिशनल है इसी तरह ये चलता आया पुराने जमाने से और अभी भी यही रिवाज चलता आया इसी तरह चलता आ रहा है कह रहे कि लेकिन कह रहे कि जब द स्टोरी जो हमारी है ये आ, कहा जाता है कि ये फ्यूचर में है और जो हमारे वेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग शैल बी डन अवे विद जब ये सारा खत्म किया जाएगा ये सिस्टम जब सारा खत्म हो जाएगा फिर ऑल द स्टूडेंट शैल बिकम टेक्नो सैवी कह रहे कि उस टाइम पे सारे बच्चे क्या बनेंगे टेक्नो टेक्नोसावी बनेंगे टेक्नो टेक्नोसावी का मतलब क्या होता है उसको हम कहते हैं टेक्नोसैवी इसका मतलब हमारे बच्चे टेक्नोसावी बन जाएंगे हमारे बच्चे जो फ्यूचर में होंगे जब स्कूल नहीं होंगे एजुकेशन इंपार्ट की जाएगी कंप्यूटर से इसका मतलब ये हुआ कि ये बच्चे टेक्नोसैवी बनेंगे ये बच्चे कंप्यूटर्स के एडवांस बनेंगे ये एक्सपर्ट बनेंगे इसी चीज को हम टेक्नो सैवी कहते हैं अब क्या कहा कहते हैं दे शेल इंटरेक्ट विद टीचर ऑन स्क्रीन अब बेटा एक लिविंग एग्जांपल मैं आपके सामने हूं अब हमारा इंट्रैक्शन फेस टू फेस तो इंट्रैक्शन ही हो रही है आप भी मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो लेकिन पढ़ाने वाला मैं हूं मैं मतलब ह्यूमन बीइंग लेकिन जो टाइम आएगा तब ह्यूमन बीइंग टीचर नहीं होगा तब कौन होगा एक मैकेनिकल टीचर होगा कह रहे हैं कि और जब वो बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे फ्यूचर में क्या करेंगे बच्चे फ्यूचर में बार क्या करेंगे वे? वो इंटरेक्ट करेंगे टीचर के साथ सिर्फ स्क्रीन पर फेस टू फेस वो अपने टीचर के साथ जिस तरह आप स्कूल में जा, स्कूल जाते हो और अपने टीचर को हैंडसेक भी करते हो सलाम भी करते हो एक फेस फेस टू होती है टीचर के साथ लेकिन जमाना एक होगा टू वन फाइव सेवन जब बच्चे क्या करेंगे वो अपने टीचर के साथ सिर्फ स्क्रीन पर इंटरेक्ट करेंगे गॉट इट एंड दैट टीचर वुड नॉट बी अ ह्यूमन बींग बट एम मैकेनिकल टीचर बच्चा मेरा समझ जहां तक आया है चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्या होता है स्टोरी में नाउ फ्रॉम हियर अवर स्टोरी स्टार्ट से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कहा जाता है कि मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी अब सबसे पहले हम जाने ये मागी कौन है बेटा मागी कौन है पहले ये जाने कि ये मागी कौन है मान लो बेटा ये पहला कैरेक्टर है हमारा मागी जो है फर्स्ट कैरेक्टर इन द स्टोरी हमारे स्टोरी का पहला कैरेक्टर कह रहे हैं कि मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट उस नाइट पे उसने अपनी डायरी में लिखा था क्या लिखा था ऑन द पेज हेडेड पेज के हेडिंग लिखी कि कौन सा डेट लिखा सेवनटीन मे टू वन फाइव सेवन ये टाइम वो लिख रही है अपने डायरी में और इस कौन सा जमाना है ये 2157 का जमाना है तब वो अपनी डायरी पे कौन मागी मागी लिख रही है कि ये टाइम है 2157 मगर कब सेवेंटी मे और क्या लिखती है शी रोट और वो लिखती है डायरी में टुडे टॉमी फाउंड एयर रियल बुक कि एक जो टॉमी है जो टॉमी है टॉमी को आज क्या मिली है एक रियल बुक मिली है रियल बुक का मतलब क्या है बेटा मेरा रियल बुक माने जो किताबें आपके पास है जो असल में जो किताबें है जिनका प्रिंट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं दीज आर कॉल्ड रियल बुक्स लेट मी गिव एन एग्जाम्पल वेटे मेरा डियर स्टूडेंट्स देखो लुक हियर दिस इज ए बुक या अगर हम ये लेंगे ये एक बुक है बेटा दिस इज कॉल्ड रियल बुक जो हमारे पास है प्रिंटेड है सारा है दिस इज कॉल्ड रियल बुक इसको हम रियल बुक कहते हैं लेकिन कह रहे हैं कि उस टाइम पे ये कह रहे एक, आ, 17 में, 2157 में कह रही है मागी अपनी डायरी में लिख रही है टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक इसी तरह की एक रियल बुक उसको मिली है इट वाज वेरी ओल्ड बुक क्या ये बहुत पुरानी किताब थी कौन सी जो ये रियल बुक इसको मिली और क्या कह रही है मागीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल द स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर अब नजर रखना है बेटा क्या कह रही है अब मार्गी ने कहा हमें दूसरे कैरेक्टर के बारे में किस कैरेक्टर के बारे में बेटा सेकंड कैरेक्टर इज टॉमी ये टॉमी कौन होता है आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा क्या कहती है टॉमी को एक रियल बुक मिली असली किताब मिली जिसको प्रिंट किया जाता है कह रहे कि ये किताब जो थी ये बहुत पुरानी थी साथ में मार्गी कह रही कि जो मार्गी का ग्रैंडफादर था उसने एक बार कहा था क्या व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय जब मार्गी का कौन ग्रैंडफादर छोटा बच्चा था हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम उसके ग्रैंडफादर ने उसको बोला था किसके ग्रैंडफादर को मागी के ग्रैंडफादर को ग्रैंडफादर ने कहा था क्या दैट देयर वाज अ टाइम एक जमाना था कौन सा जमाना व्हेन ऑल दिस स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर जब सारी स्टोरीज को क्या किया जाता था प्रिंट किया जाता था पेपर पे ना कि आईसी की स्क्रीन पे बल्कि वो सारे किताबें प्रिंट किए जाते थे पेपर में दे टर्न देज क्या अब वो इन पेज को क्या कर रहे हैं बेटा वो पेज को टर्न कर रहे हैं जो उनको असली किताब मिली They here means Maggie Maggie and Tommy. Or Tommy टर्न कर रहे हैं ऐसे घुमा रहे हैं टर्न ले रहे हैं पेज के विच वो येलो एंड क्रिंकली और जो वो पेजिस का कलर था उनका कलर येलो था अगर आपके पास बेटा मेरा कोई पुरानी सी किताब है बहुत पुरानी किताब है आप देखोगी आप देखोगे कि उस किताब के पेजेस व्हाइट नहीं दिखेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी येलो कलर होंगे एंड क्रिकली और साथ में कह रहे हैं कि जो वो किताब के पेज जिसको वो टर्न कर रहे थे जो टॉमी को मिला जो टॉमी को मिली थी कह रहे हैं कि उसके कलर येलो था और साथ में वो क्रिंकली थी क्रिंकल मानी उद्व्यसन फोल्ड्स उस पे फोल्ड्स हुए थे या हम कहेंगे रिंकल्स लगे हुए थे जैसे जुरिया होते हैं और झुर्रियों की तरह उस पे भी वो रिंकल्स लगे हुए थे या वो फोल्डेड थी एंड इट वाज अफ्फुली फनी टू रीड और कह रहे हैं कि बड़ी मतलब अफ्फुली ये फनी था उसको पढ़ना किसको इस किताब को पढ़ना

अगर ये वर्ड है यहाँ मुझे जाना है नोट पे अगर मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना होगा आसानी से मैं इसको क्या कर सकता हूँ काट सकता हूँ या मैं अगर दूसरी बात करूँ बेटा यहाँ पे अगर मुझे इसको क्या करना होगा इरेज करना होगा मसलन बेटा यहाँ पे ये वर्ड अगर है अगर मैंने इस वर्ड को आई किया बट मेरे पास आजकल क्या है आई हैव गॉट दिस टेक्नोलॉजी दैट आई कैन ये सारा गायब हो जाएगा लेकिन कह रहा है कि जो उस जमाने पे जो उनको किताब मिली वो सुटुड स्टिल थी स्टिल का मतलब बेटा मेरा मतलब वो एक ही जगह थी वो चेंज नहीं हो रही थी इस पे जो वर्ड्स लिखे हुए थे वो ऐसे ही थे इन स्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड ऑन स्क्रीन बजाय जो इनके वर्ड स्क्रीन पे होते हैं वो मूव हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं मसलन बेटा मैं एक अच्छी एग्जांपल आपको देता हूं अगर इस पे जितने भी वर्ड्स हमारे हैं अगर इनमें से किसी भी वर्ड इसमें अगर यहां पे एक ही एक पेज मान लो इस पेज पे अगर दस वर्ड्स है दस वर्ड एक जैसे आ, एक जैसे होंगे दस वर्ड्स मगर सारे वर्ड्स एक जैसे स्पेलिंग होगी मगर स्पेलिंग हमारी गलत होगी एक वर्ड की स्पेल ठीक करो वर्ड्स की स्पेलिंग खुद बखुद ठीक होगी मगर जो रियल बुक होती है कह रहे हैं कि ये ऑफली क्यों था फनी टू रीड क्योंकि जैसी थी वैसी रहेगी ये चेंज नहीं होने वाले क्यों क्योंकि जो किताब में जो प्रिंट हुआ है बेटा वो वैसा ही रहता है वो चेंज नहीं होता है जैसा है वो वैसा ही रहता है इसीलिए कि इस किताब को पढ़ना क्योंकि जो वर्ड्स है वो स्टिल रहते हैं बजाई वो मूव होते हैं जिस तरह उनके स्क्रीन पे वर्ड्स मूव हो जाते हैं यहां तक समझ आया बेटा उसके बाद क्या कह रही है यू नो एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर जब वो वापस उसी पेज पहले वाले पेज पे वापस आए इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम जब वो वापस आए पहले वाले पेज पे जिस तरह पहले वाले पेज पे जो वर्ड्स थे बिल्कुल भी वो वैसे ही थे जैसे उन्होंने पहली बार इन वर्ड्स को पढ़ा था क्योंकि कोई चेंज हम रियल बुक को नहीं होने वाली है एक रियल बुक में कोई चेंज नहीं होती है है ना बेटा आपके पास बुक्स है जो बुक में लिखा होगा वो चेंज नहीं होगा चाहे आप कितने साल उसको वैसे ही रखोगी लेकिन अगर आपके पास ई बुक है अगर आपके पास एक ई बुक है या बुक है आप अगर चाहो इसको एडिटिंग कर सकते हो इसको कुछ वर्ड्स को ऐड भी कर सकते हो कुछ वर्ड्स को काट भी सकते हो कुछ वर्ड्स को रिमूव भी कर सकते हो कुछ वर्ड्स को ऐड भी कर सकते हो लेकिन जो ये टेक्स्ट बुक होती है रियल बुक होती है ये रियल बुक चेंज नहीं होती है वाई डियर स्टूडेंट्स बिकॉज इट वॉज प्रिंटेड क्योंकि उसको प्रिंट किया गया था इसको प्रिंट किया गया था इसलिए वो वाइज ही रही इसलिए उनको ये ऑफली क्या लगा क्या लगा बेटा मेरा ये उनको ऑफली फनी लगा ये किताब अब देखते हैं आगे क्या होता है जी सत्तमी अब टॉमी किसको बुला रहा है किसको आवाज दे रहा है मागी को बट ये शॉर्टली उसको कह रहा है किस नाम से पुकारा है बेटा ये इसको गी नाम से पुकारता है और क्या कह रहा है उसको वेस्ट यू आर थ्रू विद बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट है मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लानी मो आट थ्रो इट अवे तो क्या कह रही है उसको ये कह रहा है, कि एक waste है। साथ में जब आप इस किताब से जाओगे जब आप इस किताब को पढ़ोगे उसके बाद क्या होगा यू जस्ट थ्रो इट अवे आप इसको फेंक दोगे आई गेस मैं गेस कर रहा हूं लेकिन अवर टेलीविजन स्क्रीन मास्टर है मिलियन बुक्स लेकिन हमारी जो ये टेलीविजन स्क्रीन है कब की बात हो रही है बेटा ये इस जमाने की बात हो रही है टू वन फाइव सेवन की उस टाइम पे जो बच्चे इस रियल बुक को लेते हुए क्या देखेंगे क्या फील करेंगे और क्या सोचेंगे रियल बुक के बारे में और वो क्या है लेकिन जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है उसमें हो सकते हैं मस्ट हैव हैड वन मिलियन बुक्स हो सकते हैं उसमें एंड इट इज गुड फॉर प्ल्टी मोर या और भी ज्यादा उसमें हम आ, रख सकते हैं इट आई वुड टू थ्रो इट अवे लेकिन मैं इन किताबों

Same with mine. Same with mine. Ab इसको कि बराबर मेरे साथ भी वैसा ही है किसने कहा मागी ने कहा शी वॉज एंड हैड इंट सीन शी वॉज अलेवन एंड इंट सीन एज मेनी टेक्सट बुक्स और टेली बुक्स एज टोमीड कह रहे हैं कि मागी अलेवन ईयर्स ओल्ड थी हैड नॉट सीन एज मनी टैली बुक्स एज टॉमी उसने इतने टैली बुक्स नहीं देखे थे जितने टॉमी ने देखे थे क्यों ही मतलब था आ, था years old. इसके पास बहुत थे और माघी थी अलेवन ईयर्स ओल्ड और उसने इतने ज्यादा किताबें नहीं देखी शी सेड अब उसने टॉमी को कहा क्या कहा वाई डिड यू फाइंड इट आपको ये किताब कहाँ से मिली जो आपको ये रियल बुक मिली कहाँ से मिली तो क्या जवाब दिया उस ये मुझे अपने से मिली ये मुझे घर किया, किया की और इशारा किया नी वॉज बिजी रीडिंग क्योंकि वो पढ़ाई में मशरूफ था पढ़ाई में बिजी था इस किताब को पढ़ने में बहुत ज्यादा क्या था बिजी था इसलिए उसने सिर्फ इशारा किया इन द एटिक एटिक किस चीज को हम बोलते हैं बेटा मेरा जो एटिक हम कहते हैं जो हमारे मकान का जो छत होता है छत के नीचे वाली जगह को हम एटिक कहते हैं तो कह रहे हैं कि उसने इसको कैसे कहा बेटा मेरा इसने बड़े आ, आ, मतलब इशारा करके बोला था कि ये किताब मुझे अपने घर से मिली और एटिक जो स्पेस होती है वहां से मिली मुझे और उसके बाद ये क्या कह रहे हैं इसको व्हाट्स इट्स अबाउट और जो ये किताब है जो आपको ये किताब मिली ये किस रिलेटेड है किस मुतालिक है ये किताब स्कूल टॉमी ने क्या जवाब दिया बेटा ये स्कूल के मुताबिक है ये स्कूल के मुताबिक है. मागी व स्कॉनफुल स्कूल वट इज देय टू राइट अबाउट स्कूल आई हेट स्कूल तो क्या जवाब दिया मागी ने क्यारागी क्या थी शी वॉज स्कॉर्नफुल स्कॉर्नफुल माने एक्सप्रेसिंग एक्सट्रीम कौन मतलब ना वो नफरत दिखाना गुस्सा दिखाना क्या कि स्कूल स्कूल के बारे में है व्हाट इज देर टू राइट अबाउट क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा जाए स्कूल क्या है ऐसा जिसके बारे में लिखा जाए आई हेट स्कूल मैं बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ स्कूल को बेटा मागी को क्या पता था ये उसका स्कूल है कब टू वन फाइव सेवन के टाइम पे जो स्कूल हुआ करते जो उस टाइम पे स्कूल थे कब जब मागी स्कूल में पढ़ती थी किस किस्म का वो स्कूल होगा बेटा ये आगे हम स्टोरी में जानेंगे तो इसीलिए उसने कहा कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है क्या पढ़ा है स्कूल के बारे में जो लिखा जाएगा आई हेट स्कूल क्योंकि मैं स्कूल को बहुत ज्यादा हेट करती हूँ ये किसने बोला मागी ने बोला चलो बेटा आगे देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में उसके बाद मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल क्यारागे हमेशा स्कूल को बहुत ज्यादा नफरत करती थी बट नाउ शी हेट इट मोर देन एवर लेकिन ये किताब को देख के जब इसको बोला गया कि ये किताब किसके बारे में है ये किताब स्कूल के बारे में है इसकी नफरत और बढ़ गई थी द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट ऑफ टेस्ट इन जियोग्राफी एंड हैज हैज and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her hand

इंसान थे मैकेनिकल टीचर माने रॉबर्ट्स जो उस टाइम पे 2157 में मागी को पढ़ाया करते थे कह रहे हैं कि मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी और ये मैकेनिकल टीचर उसको टेस्ट पे टेस्ट जियोग्राफी में दे रहा था एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हमारा हैड शेकन हर हैड सॉरोफली कह रहे कि और टेस्ट टेस्ट पे टेस्ट दिया जाता था, लेकिन माघी क्या करती थी उसका जो रिजल्ट आता था दैट वाज वर्स एंड वर्स वो खराब से खराब आता जाता आता गया आंटिल हम मदर हेड शेक इन हर हेड तब फिर आखिर में क्या हुआ उसकी माँ ने सर पकड़ा मतलब इसका मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान हुई एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर और किसको भेज किसको बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है बेटा काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स ये काउंटी इंस्पेक्टर एक ऐसा आदमी होता है जो इस मैकेनिकल टीचर को ठीक करता है जो कोई भी मैकेनिकल टीचर क्योंकि ये रॉबर्ट है मशीन है मशीन में कभी भी खराबी आ सकती है तो कह रहे हैं कि ये काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया था इस मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए क्यों क्योंकि जो हमारी ये मांगी है ये दिन-बदिन जियोग्राफी um, के टेस्ट में और ज्यादा खराब करती आ, जा रही थी इसीलिए अब इसकी मां बहुत ज्यादा परेशान हुई थी और इसलिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया और इसके बाद ही वॉज अराउंड लिटिल मैन हीस द काउंटी इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर डियर स्टूडेंट्स याद रखना यहाँ पे ही है काउंटी इंस्पेक्टर ये काउंटी इंस्पेक्टर है ही राउंड लिटिल लिटिल मैन एक गोल एक राउंड मैन था विद रेड फेस फेस और उसका लाल face हुआ था रेड कलर फेस था एक गोलमोल की शक्ल थी एंड होल बुक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स और उसके पास एक क्या था एक आ, बुक्स था जिसमें बहुत ज्यादा टूल्स थे सामान था कुछ डैल्स थे कुछ वायरस थे क्यों क्योंकि मैकेनिकल टीचर को वो ठीक करता था इसलिए बहुत ज्यादा सामान भरा हुआ था बॉक्स में ही स्माइल एट मागी एंड गिव हर एन एप्पल और जब वो आया उसने मागी को क्या किया एक स्माइल दिया उसने हंसा मागी की ओर और, और उसके बाद मागी को एक

Before we read that she hated school. वो को हेट करती थी वो नहीं चाहती थी कि वो पढ़े इसलिए वो इस उम्मीद में थी कि इस काउंटी इंस्पेक्टर को ना आए इसको वापस दोबारा ठीक करना बट ही न्यू हाउ टू राइट इट लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को पता था इसको कैसे ठीक करना है इसको राइट कैसे करना है एंड आफ्टर एंड अवर और so, सो क्या कि फिर एक घंटे के बाद क्या हुआ दियर इट वॉज अगेन लार्ज ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन Which all the lessons were shown and the questions were asked. कह रहे कि फिर एक घंटे के बाद या उससे ज़्यादा टाइम के बाद दोबारा वो लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली जो स्क्रीन सामने आई बिग स्क्रीन जो नज़र आई इसका मतलब मैकेनिकल टीचर ठीक हुआ जिसपे सारे लेसन्स दिखे जाए दिखती थे उसके बाद एंड द क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए दैट सो बैड क्या इतना बैड नहीं था द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट द स्लॉट वायर शी है सबसे बुरा जो था द पार्ट मागी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट ये स्लॉट क्या होता है बेटा मेरा अलॉटेड स्पेस फॉर uh, प्रोग्राम्स क्योंकि ये सारा मैकेनिकली करना पड़ता है ये सारा uh, मतलब कंप्यूटर पे किया जाता है बेटा कह रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा इस स्लॉट जब करना होता था कह रहे कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेट करती थी किस चीज़ पे जब उसको अपने पेपर्स और और जो उसके होमवर्क होती थी उसको क्या करना पड़ता था एक प्रॉपर स्लॉट और प्रॉपर प्रोग्राम में प्रॉपर स्पेस में रखने होते थे इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा नफरत करती थी शी ऑलवेज देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 इयर्स ओल्ड क्या बेटा मेरा कह रहे हैं कि ये जो सारा काम उसको करना पड़ता था शी ऑलवेज है सारे उसको लिखने पड़ते थे किसमें पंच कोड में पंच कोड का मतलब कंप्यूटर कोडिंग या हम कहेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज में ये सारे लिखने होते थे ना कि वो अपने भाषा में वो लिखती बल्कि कंप्यूटर लैंग्वेज में कंप्यूटर कोडिंग में ये सारे लिखने पड़ते थे एंड दे मेड हर लर्न उन्होंने इसको ये सिखाया था ये पंच कोडिंग कब व्हेन शी वाज सिक्स इयर्स ओल्ड जब हमारी ये मागी कितनी साल की थी सिक्स ईयर्स ओल्ड एंड द मैकेल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम और जैसे ही ये को, आ, आ, करती थी, जब ये इनको अच्छे से रखती थी उसके बाद जो ये मैकेनिकल टीचर होता था ये मैकेनिकल टीचर कैलकुलेशन मार्क्स की बड़ी तेजी से करता था गाउटी डियर स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन तो नहीं है चलिए आगे देखते हैं उसके बाद द इंस्पेक्ट है ही वॉज फिनिश एंड पैटेड मागीज हेड कह रहे कि उसके बाद क्या हुआ जब इस काउंटी इंस्पेक्टर ने अब इसको ठीक किया जब उसने अपना काम खत्म किया उसने क्या किया माघी के सर पर पैट किया ऐसे सहलाया उसको और ही सेट टू हद और उसने मागी के मां को कहा क्या कहा इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट यह लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं है कौन सा फॉल्ट बेटा जो वो टेस्ट में खराब से खराब करती जा रही थी किस टेस्ट में जियोग्राफी के टेस्ट में जो इसको मैकेनिकल टीचर दे रहा था लेकिन ये बहुत ज्यादा खराब करती जा रही थी तो अब मार्गी का जो ये काउंटी इंस्पेक्टर देखने के लिए आया तो उसने मागी के माँ को कहा कि ये लिटिल गर्ल्स का फॉल्ट नहीं है मिसिस जोन्स और क्या नाम होता है मागी के माँ का मिसिस जोन्स स्टूडेंट्स समझ आया अभी तक कितने कैरेक्टर्स पहला कैरेक्टर मागी टॉमी इनके बारे में जाना उसके बाद मैकेनिकल टीचर आया मैकेनिकल टीचर के बाद काउंटी इंस्पेक्टर आया अब काउंटी इंस्पेक्टर के बाद हम एक और कैरेक्टर के बारे में जाने लगे दैट इज मिसेस जॉन्स ये मिसेस जॉन्स कौन है मिसिस जॉन्स मागी की माँ होती है अब देखिए क्या होता है अब ये मागी मिसेस जॉन्स Uh, जो है अब ये काउंटी इंस्पेक्टर उसको कह रहा है कि इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ गर्ल ये गर्ल का फॉल्ट नहीं है आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड एंड लिटिल टू क्विक देखो बेटा इसमें हमारी लेवल रहती है और ये उसको कहने लगा कि असल में जियोग्राफी का जो सेक्टर था जो जियोग्राफी का पोर्शन था या हम कहे पार्ट था उसकी लेवल थोड़ा बड़ी थी मतलब गियर अप हुई थी जैसे हमारे हर चीज की लेवल होती है स्कूल में भी जब हम पढ़ते हैं पहले बच्चे को कहां रखते हैं प्री नर्सरी में रखते हैं फिर नर्सरी में रखते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि जितना उसकी मेंटली में, 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 जितना वो साउंड है या जितनी अभी इसकी कैपेबिलिटी है मेंटल एबिलिटी है उतने हिसाब से उसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं और यहां पे भी ये काउंटी इंस्पेक्टर मागी के माँ मिसेस जॉन्स को कह रही है कि ये बच्चे का फॉल्ट uh, नहीं है असल में जो जियोग्राफी का पोर्शन था ये जियोग्राफी का पोर्शन थोड़ा सा क्या हुआ है गेयरअप हुआ है ये ज्यादा बढ़ गया था अब इसीलिए क्या हुआ थिंग्स हैपन समाइम्स और कभी कभार ऐसी चीजें हो जाते हैं आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज टेन ईयर लेवल अब मैंने इसको एवरे uh, मतलब कम किया है मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया मैंने इसकी लेवल नीचे की है और अब मैंने कितना रखा है एवरेज टेन ईयर लेवल

पैट किया है उसके बाद मागी वॉज डिस लेकिन ये जाने के बाद ये सारा एपिसोड होने के बाद क्या हुआ मागी वॉज डिस मागी अब बहुत ज्यादा उदास थी डिस माने उदास शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे अल टूगेदर

कितने टाइम के लिए नियरली अ मंथ एक महीने के लिए उसको लिया था क्यों क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली वो ब्लैंक हुआ था मतलब वो कुछ भी नहीं दिखा रहा था इसलिए फिर मैकेनिकल टीचर को एक महीने के लिए लिया गया था और ये भी चाहती थी कि काश इसके इस मैकेनिकल टीचर को भी लिया जाता तो इसीलिए यहाँ पे हमें पता चल चलता है बेटा कि मागी का इतना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं था अब आगे देखते हैं सो शी सेट टू टॉमी और अब उसने टॉमी को कहा क्या कहा वुड व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल आप मुझे बताओ टॉमी व्हाई वुड एनीवन क्यों कोई लिखता है किनके बारे में अबाउट द स्कूल स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता है मुझे बताओ स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखता है ये सवाल ये क्यों पूछती है बेटा इसलिए क्यों, क्यों कि क्योंकि वो स्कूल से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं अगर आपको कहा जाएगा कि स्कूल क्या है

कह रहे हैं कि अब ये क्या कहती है इसको टॉमी लुकड एट विद वेरी सुपीरियर आइज जब उसने इसको बोला कि क्यों लिखा जाता है स्कूल के बारे में अब टॉमी इसकी ओर कैसा कैसे देख रहा है वेट यो यस तो क्या कहने लगी टॉमी लुकड एट विद वेरी सुपीरियर आइज और अब टॉमी किसकी ओर देख रहा है अब ये इसकी ओर बड़े सुपीरियर मतलब ना मतलब अपने आप को बड़ा समझता है सुपीरियर आई के साथ अब ये मागी की ओर देख रहा है और क्या कहने लगा बिकॉज इट्स नॉट अवर काज काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड एंड ऑफ अगो और जब ये उसको और देख रहा था बड़े सुपीरियर आई से देख रहा था और कहने लगा इसको क्योंकि ये हमारे स्कूल इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड बेवकूफ किसको बो रहा है मागी को बो रहा है टॉमी की हमारे स्कूल नहीं है ये ओल्ड स्कूल uh, yeah, kind of जो कब हुआ करते है 100s 100s years, पहले जो स्कूल uh, थे, थे ये बुक उसी रिलेटेड है ही एडेड लॉफ्टली और ये कैसे उसने किया बड़े जोर से बड़े जोर से ये बात कही और उसके बाद प्रोनाउंसिंग द वर्ड और बड़ी अच्छे से ये कह रहा है इसको बड़े जोर से ऐसा कह रहा है कि बड़ा जोर दे कि सेंचुरीज अगो इसका मतलब है कि अपने आप को दिखा रहा है दैट टॉमी देन मागी इस तरह इसको बोल रहा है कि सेंचुरीज अगो सेंचुरीज अगो के बात है ये उन स्कूल्स के बारे में ये कहा मागी वाज हर्ट अब मागी थोड़ा हर्ट थी थी। उदास अब मुझे नहीं पता कि उनको किस किस्म के स्कूल थे बहुत जमाने पहले शी रीड द बुक ओवर शोल्डर फॉर व्हाइल एंड टीचर और उसके बाद कह रही है कि वो अब उसके साथ ये किताब पढ़ने गई और हि शोल्डर मतलब उसके शोल्डर पे सर रखते हुए कुछ टाइम तक एंड देन सेड और उसके बाद कहा एनीवे दे हैड अ टीचर बहरहाल उनके पास टीचर था जैसे बेटा मेरा आपके पास टीचर्स है उनके पास अब ये कह रहे हैं उनके पास टीचर्स थे मतलब ह्यूमन टीचर्स थे श्योर दे हैड अ टीचर और टॉमी जवाब देने लगा बिल्कुल उनके पास टीचर्स थे बट इट वॉज ए रेगुलर टीचर इट वॉज ए मैन लेकिन यह क्या उसको लेकिन वो रेगुलर टीचर्स नहीं थे वो मैन थे ह्यूमन बींग्स थे वही पढ़ाया करते थे, 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 थे न कि उनके पास ये रॉबर्टिक टीचर्स थे मैन हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर मैन सुन के माघी को शौक लगा क्या कहा अब टॉमी को क्या मैन हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है आप देखिए बेटा मागी क्या सोच रही है इंसान के बारे में क्या क्या इसे मतलब एक टीचर कैसे हो सकता है

Sure is, और बिल्कुल है एक मैन है इतना काबिल माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर और क्या कहने लगा टॉमी इसको मेरा बाप भी उतना जानता है जितना मेरा कौन मेरा टीचर जानता है दैट जितना मैकेनिकल टीचर जानता है मेरे बाप को भी इतनी नॉलेज है ये कौन कह रहा है टॉमी इसको बोल रहा है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बच बच्चा और क्या कहने लगा इसको क्या, कहने लगा कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच वो भी बराबर उतना जानता है एज मच माने बराबर उतना जितना मेरा ये टीचर और उस बात पे मैं क्या कर सकता हूँ बच्चा बच्चा का मतलब बेटा मेरा मैं आ, मैं बेट लगा सकता हूं मैं शर्त लगा सकता हूँ इस बात पे कि मेरे बाप के पास भी इतनी नॉलेज है वो भी इतना जानता है जितना मेरे ये मैकेनिकल टीचर के पास ये नॉलेज है बेटा यहाँ तक समझ आया आपको आई होप यू अंडरस्टूड एवरी थिंग आई होप के हर एक चीज़ आपको आराम से समझ आया है कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे इस प्रोज uh, का या हम कहे इस स्टोरी का वो हम इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे डियर स्टूडेंट्स नाउ डियर स्टूडेंट्स टिल देन खुदा हाफिज